मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार शाम को छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में विधानसभा में पारित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था संशोधन विधेयक के राजभवन में रुक जाने से बनी स्थितियों पर चर्चा हुई। इन विधेयकों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान है। सोमवार को हुई बैठक में इन विधेयकों के अनुमोदन की अनुशंसा बढ़ा दी गई है। इसका अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी नौकरियों में भर्ती तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधित कठिनाई आ रही है। तय हुआ है कि आदिवासी विधायक एक बार फिर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने जाएंगे। वहाँ सलाहकार समिति की अनुशंसा उनको सौंप कर दोनों विधेयकों पर अविलंब हस्ताक्षर करने की मांग उठाई जाएगी।